हाय गाइस, आज के इस वीडियो में हम एसर के दो बजट किंग लैपटॉप्स के बीच कंपैरिजन करेंगे जो कुछ ही समय पहले इंडिया में लॉन्च हुए हैं। और गाइस बता दूं, ये दोनों ही लैपटॉप्स 30,000 रुपए तक की प्राइस रेंज में काफी शानदार कॉन्फ़िगरेशन के साथ आते हैं, जिससे लैपटॉप्स नॉर्मल एडिटिंग, कोडिंग, ऑनलाइन लर्निंग या बिजनेस या ऑफिस से रिलेटिव वर्क के लिए काफी फायदेमंद डील रहेंगे। आप इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक पूरा देखना, क्योंकि इस वीडियो में आपको इन दोनों लैपटॉप्स की स्पेसिफिकेशंस एंड परफॉर्मेंस के बारे में पूरी जानकारी दूंगा, जिससे आप ये डिसाइड कर सकेंगे कि इनमें से कौन सा लैपटॉप आपके लिए वैल्यू फॉर मनी डील रहेगा। और चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इन दोनों लैपटॉप्स के बारे में। चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस लैपटॉप के सीपीयू के बारे में। तो एसर के एक्सटेंसर 15 में इंटेल का 11 जनरेशन का कोर i3-1115G4 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, और एक इंटेल का टाइगर लेक सीरीज का डुअल कोर प्रोसेसर है जो 3.0 GHz की बेस क्लॉक स्पीड से लेकर 4.1 GHz की मैक्सिमम क्लॉक स्पीड के साथ आता है। और इस प्रोसेसर में 2 कोर्स, 4 थ्रेड्स और 6 MB की L3 कैशे मेमोरी दी गई है। और वहीं एसर के 114 में AMD का Ryzen 3 3250U प्रोसेसर दिया गया है, और एक AMD का एंट्री लेवल डुअल कोर प्रोसेसर है, और आपको इसमें 2.6 GHz की बेस क्लॉक स्पीड देखने को मिलती है, जिसे आप 3.5 GHz तक मैक्सिमम बूस्ट कर सकते हैं। और ये प्रोसेसर 2 कोर्स, 4 थ्रेड्स और 4 MB की L3 कैशे मेमोरी का रहने वाला है। और इनके बेंचमार्क कोर्स के बारे में बताऊं तो गाइस, आप स्क्रीन में देख ही सकते हैं कि इंटेल के कोर i3 प्रोसेसर की परफॉर्मेंस काफी बेटर देखने को मिलती है AMD के Ryzen 3 प्रोसेसर के कंपैरिजन में, जिससे आपको नॉर्मल वीडियो एडिटिंग, कोडिंग, कैजुअल गेमिंग और मल्टीटास्किंग के जैसे टास्क के लिए एसर के एक्सटेंसर 15 में काफी शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी एज कम्पेयर टू एसर 114। और GPU के बारे में बताऊं तो गाइस, एसर के एक्सटेंसर 15 में इंटेल का UHD ग्राफिक्स का सपोर्ट दिया गया है, और वहीं एसर के 114 में AMD का रेडियन ग्राफिक्स देखने को मिल जाता है, जिससे आप इन दोनों लैपटॉप्स में सिर्फ कैजुअल गेमिंग कर सकते हैं। पर गाइस बता दूं, ये दोनों ही लैपटॉप्स हैवी गेमिंग के लिए बिल्कुल भी कंपेटिबल नहीं है, इसलिए आप इनको हाई लेवल्स पर गेमिंग करने के लिए बिल्कुल भी कंसीडर ना करें। और रैम की बात करूं तो इन दोनों लैपटॉप्स में 8 GB की DDR4 रैम मिलती है, जिन्हें आप चाहो तो फ्यूचर में अपग्रेड भी कर सकते हैं, जो कि गाइस काफी अच्छी बात है। और स्टोरेज में आपको एसर के एक्सटेंसर 15 में 256 GB की SSD स्टोरेज दी गई है, और वहीं एसर के 114 में भी 256 GB की SSD स्टोरेज देखने को मिल जाती है, जिससे इन दोनों लैपटॉप्स की रीड एंड राइट की स्पीड काफी फास्ट रहेगी, और आपको इनमें फास्ट बूट टाइम, फास्ट एप्लीकेशन लोडिंग टाइम और बेटर सिस्टम रिस्पॉन्सिवनेस देखने को मिल जाएगी। और लैपटॉप्स के ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूं तो इन दोनों ही लैपटॉप्स में लेटेस्ट प्रीलोडेड विंडोज 11 होम सिंगल लैंग्वेज के सपोर्ट्स दिए गए हैं, और वो भी लाइफटाइम फ्री वैलिडिटी के साथ। और चलिए अब बात करते हैं इन दोनों लैपटॉप्स के डिस्प्लेसेस के बारे में। तो एसर के एक्सटेंसर 15 में 15.6 इंचेस का फुल HD TFT LCD डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, और इसके डिस्प्ले का रेजोल्यूशन 1920x1080 पिक्सल तक का रहने वाला है, जबकि एसर के 114 में 14 इंचेस का HD TFT LCD डिस्प्ले दिया गया है, और आपको इसके डिस्प्ले में 1366x768 तक का रेजोल्यूशन देखने को मिल जाएगा। सो गाइस, डिस्प्ले के मामले में मुझे कोई डाउट नहीं है कि आपको एसर के एक्सटेंसर 15 में बजट के हिसाब से काफी अच्छा डिस्प्ले प्रोवाइड किया गया है, और आपको इसमें 1080 रेजोल्यूशन पर वीडियोस और मूवीज को देखने में काफी मजा आएगा। और प्लस गाइस, आपको इसमें 15.6 इंचेस की लार्ज डिस्प्ले देखने को मिलती है, जिससे आपको अपनी आईज पर स्ट्रेस देना नहीं पड़ेगा और आप अपने वर्क पर काफी अच्छे तरीके से फोकस कर सकेंगे। और वायरलेस कनेक्टिविटी की बात करूं तो एसर के एक्सटेंसर 15 में वाईफाई 5 और ब्लूटूथ 5.1 वर्जन दिया है, जबकि एसर के 114 में वाईफाई 5 और ब्लूटूथ 4.2 वर्जन मिलता है, जिससे आप इन दोनों लैपटॉप में अपने सभी तरीके के वायरलेस डिवाइसेस कनेक्ट कर सकेंगे। और इन लैपटॉप की स्पीकर्स की बात करें तो इन दोनों लैपटॉप में डुअल स्पीकर्स के सेटअप्स दिए गए हैं, और इन स्पीकर्स की ऑडियो क्वालिटी भी काफी डिसेंट रहने वाली है, और वेबकैम में
इन लैपटॉप्स में 720 पिक्सल वाले HD वेबकैम्स प्रोवाइड किए गए हैं और वो भी इंटीग्रेटेड माइक्रोफोन्स के साथ, जो Zoom पर वीडियो कॉलिंग्स एंड मीटिंग्स के लिए काफी यूजफुल रहेंगे। और बैटरी की बात करें तो इन दोनों लैपटॉप्स में 3 सेल्स वाली लिथियम बैटरी दी गई है, जिससे आपको इन लैपटॉप्स में 3-4 आवर्स तक का एक डिसेंट बैटरी बैकअप देखने को मिल जाएगा। और चलिए अब जानते हैं इन लैपटॉप्स के पोर्ट्स के बारे में। तो Acer के एक्सटेंसर 15 में 1 चार्जिंग पोर्ट, 3 USB टाइप ए पोर्ट्स, 1 HDMI पोर्ट, 1 ईथरनेट पोर्ट और 1 3.5 mm का ऑडियो जैक देखने को मिल जाएगा। और वहीं Acer के 114 में 1 चार्जिंग पोर्ट, 2 USB टाइप सी पोर्ट्स, 1 ईथरनेट पोर्ट, 1 माइक्रो SD कार्ड का स्लॉट, 2 USB टाइप ए पोर्ट्स, 1 HDMI पोर्ट और 1 3.5 mm का ऑडियो जैक दिया गया है। और कीबोर्ड के बारे में बताऊं तो गाइस, Acer के एक्सटेंसर 15 में फुल साइज का नॉन बैकलेट कीबोर्ड दिया गया है और वो भी न्यूमेरिकल कीपैड के साथ, जबकि Acer के 114 में स्टैंडर्ड साइज का नॉन बैकलेट कीबोर्ड देखने को मिलता है। तो गाइस, हमें इन दोनों लैपटॉप में बैकलेट कीबोर्ड के ऑप्शन नहीं दिए गए हैं, जो थोड़े से निराश करते हैं। कंपैरिजन से पता चलता है कि Acer के इन दोनों लैपटॉप में से Acer का एक्सटेंसर 15 लैपटॉप आपके लिए काफी बेटर मॉडल रहेगा, क्योंकि हमें इसमें प्रोसेसर और डिस्प्ले दोनों ही काफी अच्छे प्रोवाइड किए गए हैं, जिससे आपको इस लैपटॉप में परफॉर्मेंस वाइज किसी तरीके का कोई इशू देखने को नहीं मिलेगा और आप इस लैपटॉप में अपने डे टू डे के टास्क फास्ट एंड इजीली कर सकेंगे। पर अगर गाइस आपको एक थिन एंड लाइट वेट लैपटॉप चाहिए जिसे आप इजीली कैरी कर सके, तो आप Acer के 114 लैपटॉप को भी चूज कर सकते हैं। वैसे गाइस, ये लैपटॉप भी परफॉर्मेंस के मामले में कम नहीं है, पर आपको इसमें प्रोसेसर और डिस्प्ले के साथ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। और इन दोनों ही लैपटॉप पर पूरे 1 ईयर की मैन्युफैक्चर वारंटी दी गई है। और प्राइस की बात करूं तो गाइस, Acer के एक्सटेंसर 15 की कीमत है 30,000 रुपीज और वहीं Acer के 114 की कीमत है 29,000 रुपीज। और आप इन दोनों लैपटॉप को बिना किसी डाउट के Amazon से परचेज कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इन दोनों लैपटॉप के लिंक्स मिल जाएंगे। और यदि आप इन दोनों लैपटॉप की पेमेंट क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के थ्रू करते हैं, तो आपको 5-10% तक का डिस्काउंट भी मिल सकता है और आप इन लैपटॉप को EMI पर भी खरीद सकते हैं।